पलास्थली रेलवे स्टेशन झारखंड के जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में अवस्थित है। आज से दो दशकों पहले यहां से गुजरने वाली रेलवे लाइन संथाल परगना को पश्चिम बंगाल से जोड़ता था। इस रेलवे स्टेशन से यात्री पश्चिम बंगाल से अंडाल तक का सफर तय किया करते थे और वहां से देश के किसी भी रेलवे स्टेशन तक का सफर यात्रियों के लिए सुगम होता था। कोयला खनन के बाद खदानों का रेलवे पटरी की जमीन अंदर ही अंदर खोखली होती चली गई और अंत में रेलवे द्वारा इस क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेलवे का परिचालन बंद कर दिया गया। संथाल परगना का क्षेत्र रेलवे परिचालन के लिए हमेशा से दुर्गम रहा है, परंतु हालिया दिनों में दुमका में रेलवे का परिचालन सुलभ होने से ऐतिहासिक पलास्थली अंडाल मार्ग को भी बहाल करने की मांग यहां के लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविन्द्रनाथ महतो हमेशा से पलास्थली रेलवे मार्ग को बहाल करवाने के लिए प्रयासरत रहे। आज इसी प्रयास का प्रतिफल है कि बजट सत्र के व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में इस रेलवे लाइन पर पुनः परिचालन से संबंधित आने वाली कठिनाइयों का जायजा लेने के लिए राज्य के परिवहन सचिव श्री कमल किशोर सोन साउथ ईस्टर्न रेलवे एवं ईस्टर्न रेलवे के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया। इस रेलवे लाइन पर परिचालन बंद होने से लोगों को काफी कठिनाइयों से दोचार होना पड़ रहा है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि भूमि भराव के उपरांत ही रेलवे का काम शुरू किया जा सकता है। बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने परिवहन सचिव को निर्देश दिया कि आप रेलवे डिवीजनों और ईस्टर्न कोल कंपनी ECL से समन्वय स्थापित कर पलास्थली रेलवे स्टेशन पर रेलवे परिचालन को पुनः बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि इस क्षेत्र में रेलवे का परिचालन सुगम हो पाए, जिससे आम लोगों को फिर से वह सुविधा प्राप्त हो सके जो दशकों पूर्व उन्हें प्राप्त थी। आशा है कि माननीय अध्यक्ष का यह प्रयास जल्द ही रंग लाएगा और इस क्षेत्र का रेल मार्ग से जुड़ने से आर्थिक विकास की गति तेज होगी और लोगों का जनजीवन सुगम हो पाएगा। रेगुलर हम लोग चिट्ठी दे रहे थे उनको कि आप उसमें जो एक मीटिंग भी हुई थी, मैंने फाइल देखा सर, जामताड़ा में रांची में ही आके एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि ECL वाले लोग उसको कोल का जो पिट है सर उसको भरेंगे, ये डिसाइड हुआ था, लेकिन उसके बाद वो पिट ECL द्वारा भरा नहीं गया था। अप्रैल 2021 में भेजा हुआ है और 24 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को रिमाइंडर भी दिया है कि वहाँ से चिट्ठी बनवा को भिजवा देने के लिए, ड्राफ्ट भी हम लोग बना के दिए हुए हैं, लेकिन हमको ये बताइए कि इसका सलूशन क्या है। मतलब वह ठीक है, आपने चिट्ठी लिखी ECL को, ECL ने क्या किया, सर्वे का काम किसका, ECL का है कि आपका है, ये बताइए। सर वो जो कमेटी है, कमेटी की एक रिपोर्ट है सर, मैं आपको दिखा दी। नहीं देखिए, हमारा साफ कहना है कि दोनों भारत सरकार का मंत्रालय है, चाहे रेल मंत्रालय है चाहे कोयला मंत्रालय है, हम एक सरकार को जानते हैं, केंद्र सरकार। अब किनसे बात करना है ये बताइए। कोयला भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए हम लोग को तो उस मंत्रालय से लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग प्रॉपर प्लेटफॉर्म में अगर नहीं जा पाएंगे तो लोग नहीं सुनने वाला है।